राइट right. अच्छा यूजी, हम एक फटाफट से एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत ही इजी, फटाफट से आप मुझे इसके जवाब देना. इंडियन टीम के इर्द गिर्द ही हैं ओके तो. हाँ ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज ऑलवेज हंग्री? दिस ऑलवेज हंग्री. आई थिंक हार्दिक. हार्दिक. हाँ या ही अच्छा, रीड अ लॉट. फॉलोअर्स हु इज अ फोन एडिक्ट? तो अभी ढूंढता हूँ मैं. मी कुलदीप मोस्टली है सबको, तो मैं और कुलदीप दोनों अपना लेंगे नाम. हाँ, सबसे ज्यादा कितना टाइम आप आईफोन में तो दिखाता है, भी है हर फोन में दिखाता है कि कितना टाइम आप स्पेंड करते हो एक दिन में फोन पे, तो अभी अभी आपका फिलहाल एवरेज कितना है? मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि गिल्टी लगता है ना. इस लॉकडाउन में मतलब कम से कम 15-16 घंटे फोन हाथ में ही रहते हैं. आई नो, मैंने भी बंद कर दिया कि वो बहुत फिर गिल्ट फील होता है कि यार इतनी देर फोन पे स्पेंड कर रहे हैं. ओके, हु इज ऑलवेज लेट? लेट नहीं बोलूंगा, 1-2 मिनट. जैसे अगर 8 बजे का टाइम है तो 7:58 पे आ गया, 7:59 पे आ गया, तो वो है हमारे ऋषभ पंत. लेट नहीं होता है, ओ पर हाँ, वही 1 मिनट पहले आना 1.5 मिनट पहले आना. ओके. सबसे ज्यादा क्रैंकी कौन होता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है? क्रैंकी तो मैं जिससे मस्ती करता हूँ तो कुलदीप ही है, तो कुलदीप. सारे जवाब आपके कुलदीप के ही हैं. ओके, हु इज मोस्ट लाइकली टू कैंसिल प्लान्स एट द लास्ट मिनट? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जब भी प्लान करते हैं वो अगर कहीं जाना होता है तो वो प्लान हो ही जाता है. मतलब ऐसा नहीं कि वो मुश्किल से होगा, 100 में से 1 आधी बार कोई चेंज हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसा कोई नहीं कि प्लान कैंसिल होता हो हमारा. अच्छा ओके, वन वर्ड टू डिस्क्राइब, वन वर्ड टू डिस्क्राइब हार्दिक पांड्या. कूल. रोहित शर्मा. रोहिता. व्हाट? रोहिता, आई कॉल हिम रोहिता शर्मा. सो यार रोहिता, आई थिंक यू कैन से रोहिता केयरिंग, यू कैन से केयरिंग. केरे. जसप्रीत बुमराह. साइलेंट किलर. एम एस धोनी. थाला. कुलदीप यादव. कुलदीप यादव मेरी क्यूटी पाई. क्योंकि क्यूटी पाई. व्हाई क्यूटी पाई? मेरा उससे काफी अच्छा बॉन्ड है, एंड इज लाइक माय यंगर ब्रदर, हाँ, अच्छा. तो दैट्स व्हाई. नाइस. व्हाट इज योर व्हाट्सएप स्टेटस? माय व्हाट्सएप स्टेटस आई हैव टू चेक, कॉज कांट टॉक व्हाट्सएप ओनली. ऐसा हो पाता है? या तो मतलब वैसे मैं बहुत ही कम है कि मैं फोन पे बात करता हूँ. बहुत ही रेयर होगा कि मुझे फोन आते होंगे. कोई इमरजेंसी हाँ, होती है तो फोन पे बात होती है, नहीं तो मैसेज भी हो जाता है. लॉकडाउन में कितने बजे नहाते हो? जब उठता हूँ आई थिंक 3 और 4 o'clock. ओके, वेयर वुड यू गो इफ यू आर इनविजिबल? अभी तो आई विल गो टू रांची टू सी माय वाइफ. वो इनविजिबल है एक्चुअली. कोई नहीं देख पा रहा उन्हें. कोई चेज नहीं कर पा रहा, कोई इंस्टा लाइफ पे नहीं ला पा रहा. कोई ला सकता है तो वो आप ही हो यूजी. इसी उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा. फ्लाइट ओपन हाँ होती है तो मैं वहीं चला जाता हूँ. फिर तो मैं 24 घंटे अपना इंस्टा खोल के ही रहूंगा, फिर देखता हूँ कहाँ भागते हैं. व्हाट इज द थिंग यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ? व्हाट अफ्रेड इज वन थिंग? ऑफ हाँ द 3 things. आई स्केर्ड ऑफ हाइट्स, आई स्केर्ड ऑफ वाटर, एंड आई स्केर्ड ऑफ डार्कनेस. What compliment does people give you the most? आजकल तो हर काफी सारे आ रहे हैं, मतलब
चूज करना पड़ता है, नए नए नाम आते हैं, नए नए मीम्स आते हैं, तो आजकल तो ये चलता है, सुबह स्टोरी डालता हूँ तो भैया ये इतने भारी आपसे नहीं उठ पाएंगे, रहने दो रहने दो, तो आजकल भैया ऐसे जाते हैं। तो आप तो उठा के दिखा देते हो एक्चुअली. हाँ उठा देते हैं, पर आजकल ऐसे ही आते हैं कमेंट्स वगैरह, तो और कॉम्प्लीमेंट, ये तो कमेंट हो गया. कॉम्प्लीमेंट तो आजकल पबजी में ही आ रहे हैं, वो चल रहे हैं ना ओपी करके, यूजी ओपी, तो लाइक यूजी ओवर पावर, तो एक ये वर्ड है ओपी, अगर आप काफी अच्छा खेलते हो या काफी अच्छा शॉट मारते हो तो उसमें बोलते हैं ओपी। ओपी, ओके, ओपी. हु इज द मोस्ट फैशनेबल इन द इंडियन क्रिकेट टीम? फैशनेबल आई विल गो विद ए कपल ऑफ गाइस लाइक विराट भैया, केएल एंड हार्दिक, या थ्री थिंग्स दैट यू शुड नॉट टेल अ क्रिकेटर. थ्री थिंग्स दैट यू शुड नॉट टेल युजवेंद्र चहल. आई डोंट नो, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आई थिंक आई विल टेल थ्री थिंग्स टू यूजी, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स, प्लीज स्लीप ऑन टाइम, एंड प्लीज ईट मोर फूड। बट ये लॉकडाउन में भी आप खाना नहीं खा रहे हो? नहीं खाता हूँ मैं, बट आई डोंट गेट फैट, आई ईट प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाइट पे रहूँ हमेशा, तो उससे पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था, तो आई ईट बटर चिकन एंड ऑल, फिर अभी 7-8 महीने से आई एम वेजिटेरियन, तो जो भी मिलता है वैसे, मक्खन हो, घी हो, चीज हो, तो आई ईट एवरीथिंग। इतना बड़ा चेंज फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन, मिस नहीं कर रहे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई अडॉप्ट 2 kids, माय डॉग, सो एंड आई एम वेरी क्लोज टू एनिमल्स, सो आई डिसाइडेड टू चेंज माय सेल्फ। दैट्स रियली स्वीट. थैंक यू। ओके, इज युजवेंद्र चहल सिंगल? यस आई एम वेरी सिंगल, 1000% आई एम सिंगल। सिंगल लोग होते हैं वो रात को पबजी नहीं खेलते, जो अगर कमिटेड होते हैं वो अपने लगे रहते हैं, सिंगल लोग ही पबजी खेलते हैं मोस्टली। पबजी खेलते हैं, राइट? ओके, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन. हु इज द बेस्ट बैट्समैन, विराट कोहली, रोहित शर्मा? यूजी चहल। अगेन. बता बता दो. नहीं. दिए, बोल दिए। आई थिंक अपना अपना उनका अलग अलग है। इफ यू टेल आस्क मी एज ए ओपनर, तो आई विल गो विद रोहित भैया, इफ यू आस्क मी एज ए वन डाउन, सो आई विल गो टू द विराट भैया, एंड इफ यू आस्क मी नंबर 10, सो आई विल गो विद मी। नाइस. अच्छा, आपने अपने डॉग्स की बात की, आप बहुत उनकी इंस्टा स्टोरीज भी डालते हो. क्या नाम है, कितने डॉग्स हैं आपके पास? आई हैव 2 dogs, जो सबसे बड़ा है ग्रोट एंड छोटे वाला स्कॉटी। स्कॉटी. या सो इट्स एक्चुअली इट्स वेरी स्वीट कि उनकी वजह से आप वेजिटेरियन हो गए, बिकॉज़ यू नो ये बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, स्पेशली बीइंग अ क्रिकेटर जहां पे आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है. बट देन यू आप उसका सब्स्टिट्यूट भी ले रहे हो कि अगर आप चिकन नहीं खा सकते तो आप कुछ और खाओ. बट अगेन इट्स अ वेरी बिग चेंज. या ईट एग्स, बिकॉज इफ यू गो टू अब्रॉड कंट्रीज, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट में इफ यू आर नॉट ईटिंग एग्स, तो आपको इतना प्रॉपर मिलता नहीं, क्योंकि आप फ्रूट्स भी कितना खाओगे, और वहाँ पे कई बार, अभी हम न्यूजीलैंड में थे तो उन्होंने इंडियन सेक्शन अलग किया हुआ था, तो उसमें परांठे बना रखे थे, वो परांठे ऐसे थे कि अगर 10 परांठे मैं रख दूँ तो हाथ एक डम्बल बन सकता है उनका, इतने मोटे परांठे बनाते थे वो लोग। ओके. आपके फेवरेट अभी तक कौन सी कंट्री आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है? इज इट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जहां जहां आप क्रिकेट आई खेले लव गए? न्यूजीलैंड, आई लव न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड. क्योंकि काफी पीसफुल है, कम लोग हैं, और वेदर इज वेरी नाइस है, एंड वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, स्पेशली यू नो अ कैप्टन लाइक केन विलियमसन, जो इतने कूल, काम, अ जेंटलमैन. ही एक्चुअली डिफाइंस द गेम. या जेंटलमैन, अगर अभी बोलूंगा तो नीचे कमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, डकटिल या गुप्ता जी।